ये है लिटमस पेपर, ये है नेम। कमेंट करिए बताओ कौन सा टेस्ट करने वाली। बिल्कुल सही पहचाना, पीएच लेवल हम टेस्ट करेंगे। तो चलो पहले नींबू का पीएच देखते हैं कितना है, उसके बाद देखेंगे हमारे स्किन का पीएच क्या है। एंड देन मेरे पास बहुत सारे फेस वॉशेस हैं, मतलब मैंने ये परचेज किया है और लगभग 2000 रुपए के आसपास मैंने खर्च किए हैं इन सारे फेस वॉशेस पे। आपके फेवरेट फेस वॉश जो आप यूज करते आए हो इतने टाइम से, आपके स्किन का कितना बुरा हाल कर रहे हैं, वो आपके स्किन पे कितने हार्श है, सॉफ्ट है, अच्छे है, उसका पता लगाएंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आई कांट वेट टू टेस्ट दिस लेमन। एक पेपर लूंगी, बस पेपर में बेसिकली इसका कलर येलो रहता है एंड जब हम इसको किसी एसिड या अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है और हमारे पास बहुत सारे कलर्स वेरिएंट्स हैं। तो देखते हैं कौन सा कलर आता है। 1 2 3 4 कॉमेंट करके बताओ क्या होने वाला है। ओह माय गॉड गाइस, देख रहे हो पेपर का कलर चेंज हो गया और ये येलो से रेड कलर का हो गया है क्योंकि इसके अंदर हमने लेमन डाला है। कपड़े धोने वाली टिकिया में क्या नंबर आता है। पूरा नीला हो गया, पूरा नीला हो गया गाइस। ये नंबर 12 पे आ रहा है, ये बहुत ज्यादा हार्श और हार्ड है। ऑफ कोर्स ये तो कोई फेस पे लगाएगा नहीं, स्पेशली हम आज फेस वॉश के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मी नेचुरल, मैं हूं रेखा। टेस्ट करेंगे बहुत सारे फेस वॉशेस के पीएच वैल्यू को। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने अपने स्किन का पीएच लेवल को बैलेंस करके नहीं रखा तो आपके स्किन से वाटर लॉस हो सकता है जिसकी वजह से ड्राइनेस होगी और एजिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। एक्ने ब्रेकआउट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में इरिटेशन, रेडनेस और इचिनेस होगा। बेसिकली आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ये सोच करके ये आपके स्किन में कमाल दिखाएगा, वो आपके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है। सो बी अवेयर ऑफ सच प्रोडक्ट। सो जैसे कि मैंने बताया, हेल्दी स्किन का पीएच 4 से स्टार्ट होकर 5.5 तक भी जा सकता है और ये बेसिकली एसिडिक होता है। तो 4 टू 4.5 तक का आप पीएच वैल्यू वाला कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाओगे तो वो आपके फेस को सॉफ्ट, सुपर स्मूथ, क्लियर, क्लीन स्किन बनाने में हेल्प करता है। ऑल्दो मैं इतना पीएच कर रही हूं, पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन एनी सब्सटेंस, ठीक है। सो आपकी स्किन में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कहते हैं पीएच वैल्यू, सिंपल भाषा में बताऊं तो। और अगर इसको आपने डिसबैलेंस कर दिया तो स्किन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत बातें होगी, आई एम रियली एक्साइटेड टू टेस्ट कि कैसा रिजल्ट आता है। सो सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर आई थिंक पॉन्ड्स है, इसको टेस्ट करते हैं। वाटर डाला है मैंने इसमें, वाटर के अंदर मैं जरा सा फेस वॉश डाल रही हूँ। सो गाइस मैंने इस वाटर के अंदर पॉन्ड्स ब्यूटी फेस वॉश डाल दिया है। लेट्स चेक द पीएच वैल्यू। माय गॉड कलर चेंज हो गया। देखो 10 पे ये मैच हो रहा है पीएच वैल्यू। ये स्ट्रिप वो है जो मैंने डिटर्जेंट चेक किया था और ये है जो पॉन्ड्स वाला मैंने चेक किया। भाई ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो भी मैं क्या ही बोलूं, अब आप डिसाइड करो। कई सालों से लगाता है, मैंने भी कई बार यूज किया इसको। तो नेक्स्ट ये टेस्ट करते हैं क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश। ये क्या क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश को करेंगे मिक्स मिक्स में। नाउ लिटमस पेपर टेस्ट, क्या कलर आएगा गाइस। Oh my God, यार ये भी ग्रीन हो गया। गार्नियर मेन को टेस्ट करते हैं इस बार। अब टेस्ट करते हैं, शायद ये येलो कलर ही रहे, चेंज ना हो, पर चेंज हो रहा है। Oh my God, चेंज हो चुका है, ये भी ग्रीन। अरे यार सबने कसम खाई है हरे रंग में शामिल होने की। ये वाला क्या हल करता है। हिमालय फेस वॉश मैंने यूज किया है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और मैंने इसको भी यूज किया हुआ है बहुत। आई थिंक ये कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ। एंड ये 5.5 के आसपास है। ये हिमालय प्यूरिफाइंग फेस वॉश का पीएच वैल्यू आपके स्किन के आसपास का है। सो ये पीएच वैल्यू में सो ये सही है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या क्या है उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट पतंजलि फेस वॉश यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर है। ओह माय गॉड, ये तो डालते ही कलर चेंज कर दिया यार, ये तो बहुत ही ज्यादा हरा हो गया है। तो माय गॉड, मुझे इससे ही उम्मीद नहीं थी। सारे डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं। सो ये देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। डॉक्टर सही इसको अच्छा रेकमेंड करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। एंड मैंने भी एक वीडियो बनाई थी बहुत साल पहले, आई थिंक 4 साल पहले, तब भी मैंने बोला था कि सेटाफिल बेस्ट है, तब मैंने इसको नंबर 1 पे रखा था एंड आई एम रियली हैप्पी। ये पासवर्ड टेस्ट में अच्छी तरीके से थे, रोजिना बहुत सारे लोग इसको रेकमेंड करते हैं, इसका भी टेस्ट कर देते हैं आज। न्यूट्रोजिना का टेस्ट सेवन के आसपास आया है और ये न्यूट्रल आप बोल सकते हो। बहुत सारे लोग इसको यूज तो करते हैं लेकिन आई एम नॉट श्योर कि आपके स्किन पे कैसा रिएक्ट करेगा। लैक्मे फेस वॉश टेस्ट करते हैं यार।
आपके स्किन के पीएच वैल्यू के लिए परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं निविया मेन ऑल इन वन चारकोल फेस वॉश। चेंज कर दिया है एंड 6 or 7 के अराउंड इसका शेड आया है। लास्ट मैं यहाँ पे फेस वॉश यूज कर रही हूँ, गार्नियर विटामिन सी फेस वॉश, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसके अंदर जब मैंने लिटमस पेपर का स्ट्रिप डाला, डालते ही कलर एकदम से चेंज हो गया, मतलब इतना ज्यादा कि इसका जो हरा रंग था ना वो ऐसे निकल रहा था, हरा नीला सा कलर ऐसे निकलने लग गया। मैंने डव का भी चेक किया, डव आ गया था 5.5। तो डव तो स्किन के लिए कहती है पीएच वैल्यू अच्छी होती है। सो मैंने सोचा क्यों ना आप घरेलू चीजों को भी ट्राई कर लेते हैं। कहते हैं दूध बहुत नरिशिंग होता है, पीने में खाने में हमारी बॉडी समझती है, चेहरे पे लगाओ ग्लो आता है, लैक्टिक एसिड होता है, नेचुरली ब्लीच करता है दूध, दही, शहद, नींबू और नीम। तो मैंने सबका पीएच टेस्ट किया है, ना मानोगे नहीं, दूध का पीएच आया है 6.5, हमारे स्किन का होना चाहिए 5.5, दूध का 6.5 आया है। और इतने सारे जो डीआईवाई उपटन, डीआईवाई फेस वॉश, डीआईवाई फेस पैक हम लोग लगाते आए हैं, जैसे कि हम शहद लगाते हैं, शहद का पीएच मैंने टेस्ट किया तो 3.5 आया, नीम का पीएच टेस्ट किया तो 8.2 आया, मुल्तानी मिट्टी का टेस्ट किया तो 8.8 आया। सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि अगर आप आयुर्वेदा को फॉलो करते हो, आयुर्वेदा आपको कहता है ये सारे घरेलू नुस्खे आप चेहरे पर लगाओ, और हम लगाते भी हैं और आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हो लगाने के बाद चेहरा कितना ग्लो करता है। और मैं हमेशा से डीआईवाई अपने चेहरे पर करती हूं और खराब नहीं हुआ, मेरी स्किन अच्छी रही है। करेगा पीएच वैल्यू एक अच्छा रोल प्ले करता है, हाउएवर हमें ये देखना होगा कि हमारी स्किन पर्टिकुलर चीज को लेकर के, पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को लेकर के कैसा रिएक्ट करती है। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से अगर चीजें अपने चेहरे पर लगाओ, और जैसे नींबू हो गया उसको किसी चीज के अंदर डाइल्यूट करके लाओ, डायरेक्ट मत लगाओ ना, थोड़ा हार्श हो। असली मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि कोई चीज किसी को सूट कर जाती है, कोई चीज किसी को सूट नहीं करती है। हर चीज में हम पीएच वैल्यू नहीं टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा किचन की चीजों में पीएच वैल्यू वहाँ पे कितना अलग था, वो चीज अगर पीएच वैल्यू के बेसिस पे देखोगे तो चेहरे पे तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स हम लगाते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट मिलता भी है। अब लेमन को ही देखा जाए तो उसका पीएच वैल्यू तो बहुत बुरा है, लेकिन उसको डायरेक्ट हम स्किन पे नहीं लगाते ना, हम हमेशा लेमन को किसी चीज के अंदर डायल्यूट करके, मिक्स करके, डीआईवाई बना करके अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। और लेमन को सीधा डायरेक्टली ऐसे हम नहीं खा लेते हैं, उसको भी दाल में जरा सा लेमन मिलाते हैं, देन हम खाते हैं, हमारी बॉडी को सूट करता है। तो खाली पीएच वैल्यू के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना मुझे नहीं लगता कि सही है। चाहिए आप अपने स्किन का टाइप देखिए, ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, पैच टेस्ट कीजिए, आप उसको थोड़े टाइम के लिए यूज करके देखिए कि स्किन के ऊपर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है या गंदा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, या आप डर्मेटोलॉजिस्ट से अपनी स्किन को टेस्ट करवा सकते हैं, वो भी आपके स्किन का पीएच वैल्यू बता सकते हैं एंड वो आपको अच्छा फेस वॉश रेकमेंड भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो मेरी तरह घर पे डीआईवाई बना के चेहरे पे लगा सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मैं उनको लगाती हूँ, आप मुझे देख ही रहे हो कि मेरी स्किन में कितना फर्क आया है पहले से लेके अब तक। अगर आप अपने चेहरे पे होम रेमेडी लगाते हो और वो भी सही इंग्रेडिएंट चूज करो स्किन टाइप के हिसाब से, तो होम रेमेडीज नुकसान नहीं करके जाएंगी, बशर्ते पैच टेस्ट जरूर करो। तो मेरा यही कंक्लूजन रहेगा कि फेस वॉश यूज करो लेकिन पैच टेस्ट के बाद, और अगर ज्यादा झंझट नहीं पालना है तो होम रेमेडीज ट्राई करो बी नेचुरल की वीडियोस को देख करके पैच टेस्ट करने के बाद। बहुत सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता बनाने के लिए, उनके कॉस्ट इफेक्टिव रहे तभी तो लोग लेंगे, तो सस्ता करने के लिए उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स घटिया लोकल डाल देते हैं ताकि चीजें सस्ती मिले और लोग धड़ल्ले से खरीद लें। सस्ती चीजें भी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन एक बार इंग्रेडिएंट आप जरूर देख लेना, और अगर आपकी स्किन को सूट करे तो ठीक है, जस्ट पीएच के ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहो, तो इंग्रेडिएंट के ऊपर भी डिपेंडेंट रहा करो, यही आपकी स्किन के लिए सही रहे। सो ये मेरा कंक्लूजन निकला है। जैसे बहुत सारे ऑयल आते हैं, शैम्पू आते हैं, बॉडी वॉशेस आते हैं, उनका भी अगर आप चाहते हो कि मैं टेस्ट करूं इस तरह की वीडियो एक और बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।